Rishi Kapoor, who is sporting a hippie look in David Dhawan's Chashme Badoor remake, will be performing a tap dance with Ali Zafar in the film. The veteran actor was last seen performing the dance style 36 years ago. इससे पहले उन्होंने 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं में टैप डांस किया था। इस बार भी उन्होंने कुछ वैसा ही टैप डांस अपनी इस नई फिल्म के गाने अर्ली मॉर्निंग के लिए किया है। वैसे चश्मे बदूर में ऋषि का कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वन थिंग दैट इज गोइंग टू टेक अवे ऑल द लाइमलाइट विल श्योरली बी हिज टैप डांस। आपको क्या लगता है? रणवीर सिंह, who made his debut with Band Baja Barat, has surprised everyone with his acting skills and energy levels with which he grabbed a chance to act in the movie Ram Leela. खबरों की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रणवीर को संजय से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि रणवीर को फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए एक ड्रंक आदमी की तरह एक्टिंग करनी थी। इस सीन को रियल करने के लिए रणवीर ने सच में 3-4 ग्लास एल्कोहल कंज्यूम किया। बस फिर क्या था, सीन वन टेक में ही ओके हो गया। ये देखकर संजय लीला भंसाली की आंखें भर आई और उन्होंने दे दिया रणवीर को स्टैंडिंग ओवेशन। चलिए अच्छा है, दीपिका पादुकोण से बढ़ती नजदीकियों के अलावा भी रणवीर की किसी बारे में बात हो रही है। आमिर खान इज ऑल सेट टू लॉक लिप्स विद द पीके बेब अनुष्का शर्मा। इफ बज इज टू बी बिलीव, पीके विल सी आमिर खान एंड अनुष्का शर्मा शेयर द लॉन्गेस्ट किस एवर। The actor has kissed his co-heroines in almost all his films, and so this time too did not have any qualms. सुनने में आया है कि अनुष्का ने इस सीन को सुनकर झट से हामी भर दी थी। वैसे तो आमिर ने अपनी ऑलमोस्ट हर फिल्म में किस किया है, लेकिन अभी तक की उनकी सबसे लॉन्गेस्ट किस राजा हिंदुस्तानी फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ थी। लेकिन अब लगता है अनुष्का ने ये रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली है। Let's see whether it looks hot or vulgar.